हेलो हेलो, थैंक यू दोस्तों फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और आने वाले 10 से 15 मिनट आप लोगों को मुझे झेलना पड़ेगा क्योंकि ये जो स्पीच है मेरा, वैसे तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लेकिन दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम जो मैं इतनी लंबी स्पीच देने वाला हूँ। लेकिन आज की जो स्पीच होगी, आज जो चीज़ मैं प्रेजेंट करूँगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपना करियर बनाना है सोशल मीडिया पर और बहुत सारे पैसे कमाने। वैसे सबसे पहले बता दूं, थैंक यू टेडेक्स जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। टेडेक्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड आई एम रियली ऑनर्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों के साथ लाइव नहीं आ सका, लाइव ज्वाइन नहीं कर सका, स्टेज पर प्रेजेंट नहीं कर पाया। वजह ये कि कुछ मेडिकल इमरजेंसी, उस वजह से मैं बिजी रहा हूँ। लेकिन सोचा वर्चुअली आते हैं और वर्चुअली आपको एंटरटेन करते हैं। अब मैं हूँ रुहेज अमरेलिया, AKA टेक्नो रुहेज। आप मुझे टेक्नो रुहेज के नाम से जानिएगा क्योंकि इंडिया में मैं टॉप 10 टेक क्रिएटर्स के अंदर आता हूँ और मुंबई में जहाँ पर हम अभी है मैं नंबर 1 यूट्यूबर हूँ टेक्नोलॉजी के अंदर मुंबई में इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। और साथ ही साथ आपको बता दूँ, पिछले 10 साल से 2015 से मैं यूट्यूब पर टेक्नोलॉजी वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ। यूट्यूब के साथ साथ मैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, सब जगह पर। इनफैक्ट आप गूगल सर्च करके मुझे ढूंढ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा मेरे बारे में। आर्टिकल्स है, बायोग्राफीज है, हम मैगजीन्स में फीचर हुए, हम लाइव न्यूज़ चैनल आज तक, NDTV, इन जगह पर भी फीचर्स हुए हैं। और साथ ही साथ 2023 में मुझे 3 टेक क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिले, जो किसी भी टेक क्रिएटर को नहीं मिला है। एक साल में मुझे 3 अवार्ड्स मिले, ये मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे 3 यूट्यूब चैनल से जिसपे मिलाकर मेरे पास 5 मिलियन फॉलोअर्स है, यानी कि 50 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं पूरे इंडिया से। और इंडिया ही नहीं, पूरे ग्लोबल में बहुत ऐसी जगह है जहाँ से लोग मुझे फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो कैसे एक अच्छा इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर बन सकते हैं। ब्रांड्स, जो स्मार्टफोन ब्रांड्स होती है या जो कंपनीज होती है जो आपको अप्रोच करेगी, उनका सीक्रेट क्या है, उनसे कैसे डील करना है, कितने पैसे आप कमा सकते हैं, कितना चार्ज कर सकते हैं। और इन्हीं के बीच में आपको मैं अपनी लाइफ जर्नी का एग्जाम्पल दूंगा, कितनी इंस्पायरिंग है, जिससे आप डेफिनेटली बहुत मोटिवेट होंगे। अब सबसे पहले आपको बता दूं, जब मैंने अपने यूट्यूब करियर को स्टार्ट किया था तो मेरे पास कुछ नहीं था। मैं बहुत ही लोकल टिपिकल एरिया में रहता था जहाँ पर लोगों को यूट्यूब के बारे में, इंटरनेट के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। उस जगह से मैं बाहर आया हूँ। इनफैक्ट जब मैंने यूट्यूब में करियर बनाने का सोचा था तो मेरे डैडी ने मुझे उस वक्त बिलीव किया था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। हाँ, मैरिड होने के बाद मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उससे पहले की बात करूँ तो मेरे डैडी मेरे साथ थे और उनके पास पैसा नहीं था मेरे इस गोल में इन्वेस्ट करने के लिए। उन्होंने फिर भी EMI के ऊपर मुझे एक लैपटॉप लेके दिया, उनको लगा कि इसमें कुछ तो है, एक होप था। और फिर लैपटॉप आया तो मेरे पास फिर सहूलतें आई एडिटिंग करने की और वहाँ से मैंने अपना काम धीरे धीरे स्टार्ट किया। अब जब मैं यूट्यूब में आने की प्लान किया था तो मेरे पास कोई प्रॉपर स्टूडियो नहीं था और उस समय लोग इतना डिपेंड नहीं होते थे क्वालिटी पे। आज मानते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया तो लोगों को क्वालिटी चाहिए, उस वक्त ऐसा नहीं था। मैं चप्पल के स्टैंड के पास बैठकर जो है वो वीडियो शूट करता था। मेरे पास ना ट्राइपॉड था, मेरे पास ना माइक था, मेरे पास ना अच्छी क्वालिटी का कैमरा था, कुछ नहीं था। मैंने अपने मनमानी चीज़ें खुद बनाई थी, अपने ईयरफोन को माइक बनाया था, स्मार्टफोन को कैमरा बनाया था और ट्राइपॉड भी मैंने एक सेल्फी स्टिक को एक मट्टी में, एक रेत में गाड़ के बॉक्स के अंदर बनाया था और वहाँ पर मैंने सिर्फ कंटेंट पे फोकस किया था। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा मीथ मैं आपको लोगों को बस्ट करके दे रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं कि आपको वीडियो शूट करने के लिए सब कुछ क्वालिटी और अच्छा होना चाहिए, बड़े बड़े स्टूडियो, अच्छा कैमरा होना चाहिए, ये गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट होता है, क्या आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। और जितना मज़ा लोगों को अगर आपके कॉन्टेंट में आएगा ना, तो धीरे धीरे लोग आपको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। आप कितना भी अच्छा स्टूडियो लेके बैठ जाओ, कॉन्टेंट में ही दम नहीं है तो फ़ायदा क्या। और ऐसे लोगों को मैंने देखा है, एग्जाम्पल है मेरे सामने बहुत सारे। तो ये आपको समझना है कि आपको कंटेंट पे फोकस करना है। और हाँ, जैसे जैसे आप प्रोफेशनल लेवल पर जाएंगे डेफिनेटली आपको क्वालिटी में इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेगी। जो आप पैसा कमाएंगे आपको वो इन्वेस्ट करना है, तो उसके साथ साथ आपके कंटेंट और क्वालिटी धीरे धीरे दोनों इन्वेस्ट हो जाएगी। बिना पैसे आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ये मैं यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, जैसे जैसे आप फेमस हो जाते, आगे बढ़ जाते, तो जो स्मार्टफोन ब्रांड से या जो दूसरे प्रोडक्ट्स के ब्रांड से किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ते हो, मेकअप में बढ़ते हो, कुकिंग में बढ़ते हो, जो आपको फील्ड में इंटरेस्ट है वो आपको अप्रोच करती है। जैसे कि कहावत है जो बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। धीरे धीरे आप जैसे दिखने लगेंगे, ये सारी कंपनीज आपको रिकग्नाइज करेगी, वो चाहेगी कि उनके प्रोडक्ट्स आप अपने चैनल पर प्रमोट करो और वो आपको अप्रोच करेगी। वो आपको सर्टन अमाउंट्स देगी कि भाई इतना पैसा ले लो, उतना पैसा ले लो। और उनसे डील करने के लिए मैं आपको एक बहुत बड़ा टिप देता हूँ। सबसे पहले तो आप जब आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, तो
कभी भी किसी भी कंपनी को अपनी तरफ से अप्रोच मत करना, वो आपको अप्रोच करेगी तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। जिस दिन आपने उनको अप्रोच किया आपकी वैल्यू जीरो। ये आपको समझना है, ये बहुत बड़ा टिप है। ब्रांड आपको खुद अप्रोच करेगी, आपकी वैल्यू यहां से वहां चले जाएगी। और इनको प्रोफेशनली डील करना है और काम एकदम अनबायस्ड और ऑनेस्ट तरीके से करना है। पिछले 10 साल से मैं यूट्यूब में यही कर रहा हूँ, लोग मुझे इसीलिए पसंद करते हैं। आज भी जब लोग मुझे रास्ते में मिलते तो बोलते टेक्नोरोज भाई आप एकदम बढ़िया बंदे हो, एकदम रियल हो, कोई एरोगेंस नहीं, कुछ नहीं, आप जैसे हो वैसे ही हो। और पिछले 10 साल से मैं ऐसे ही हूँ। हाँ, स्पीच में थोड़े हमारे प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, पहले हम अलग तरीके के वीडियो बनाते थे, अब थोड़ा चेंजेस हो गया है, लेकिन काम जो आपका है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो वैसे ही रहना चाहिए। तो ब्रांड के साथ भी आपको वैसे ही रहना चाहिए, अपनी शर्तें खुद रखनी चाहिए और फिर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर हो। ब्रांड को आपकी ज़रूरत है, आपको ब्रांड की ज़रूरत नहीं है। ब्रांड बहुत सारी, एक गई तो दूसरी आएगी, दूसरी गई तो तीसरी आएगी। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। और साथ ही साथ मैं अगर अपने लाइफ का एग्जाम्पल दूँ तो पैसे भी आप इस फील्ड से बहुत कमा सकते हैं। मैंने भी बहुत पैसे कमाए। एक बार तो ऐसा हो गया था, जब मैं नया नया यूट्यूब में था तो मेरा गूगल एडसेंस डिसेबल्ड हो गया था, एक साल भी नहीं हुआ था मुझे यूट्यूब में। अब यूट्यूब पर आप जो भी वीडियोस देखते हो उस पर जो एड्स आते हैं उसके जो पैसे मिलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और वो पैसे एडसेंस से आते हैं, गूगल का कनेक्शन होता है। और यहाँ पर मेरे पैसे जो है वो लगभग 50,000 रुपये बंद हो गए थे आना। मेरे डैडी ये सोच रहे कि भाई इसको मैंने सारी चीज़ें करके दिया, इतना मेहनत कर रहा है और एक साल हो गया और उसने मुझे एक पैसा कमा के नहीं दिया। और जब 50,000 रुपये आने की बात हुई तो वो भी चला गया। मैंने सिर्फ फेथ रखा, मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ फेथ रखा, मैंने प्रेयर्स किया और उसके बाद मेरा एडसेंस जो है वो गूगल से मीटिंग हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, अप्रोच किया और ओपन हो गया। एक साथ इकट्ठे मैंने मेरे डैडी को 50,000 रुपये दिए। उन्होंने सोचा कि अरे बंदा 5,000 कमाने के लायक नहीं था, इसने मुझे 50,000 रुपये दे दिया। उनको लगा इसमें कुछ तो है, और मुझे भी ऐसे लगा कि डेफिनेटली यूट्यूब से हम इतने पैसे कमा सकते। उस वक्त तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी वो। और फिर मैंने धीरे धीरे अपनी फील्ड में आगे बढ़ता गया, मैंने जियो के ऊपर वीडियोज़ बनाए, अलग अलग कॉन्टेंट्स पर वीडियो बनाए, मैं बहुत सारी चीज़ें किया हूँ। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, आपको भी एक बहुत बड़ी टिप इससे मिलती है कि तीन चीज़ें आपको हमेशा से याद रखना है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है सोशल मीडिया पर। एक तो कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी तो कुछ मतलब नहीं। आप एक वीडियो अभी डाल रहे हो, एक दूसरा वीडियो 3 महीने बाद डाल रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है। दूसरी चीज़, आपको पेशेंस रखना है। जब भी लोग वीडियो डालते हैं, अरे व्यूज़ नहीं आ रहे, अरे पैसे नहीं आ रहे, नहीं, मुझे 1.5 से 2 साल लग गए। और मानता हूँ कि उस वक्त सिर्फ 20-25 टेक क्रिएटर्स थे, उसके बीच में भी मुझे 1.5 से 2 साल लग गए। आज लाखों के हिसाब से लोग हैं, तो आपको और भी समय लग सकता है। तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक कज़िन है, 3 महीने ही हुआ था उसको यूट्यूब चैनल क्रिएट करके, वो व्लॉगिंग चैनल बनाया था। 3 महीने बाद मुझे मैसेज करता है, अरे यार मुझे पैसे नहीं मिल रहे। मैंने बोला भाई मैं 2 साल से बैठा हूँ, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, और तुझे 3 महीने में लग रहा है कि तेरे को पैसे मिलेंगे? ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू बी पेशेंस। और तीसरा, फेथ, आपको उम्मीद रखनी है, ऊपर वाले में भरोसा रखना है, क्योंकि डेफिनेटली आप मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। मेहनत तो सभी करते हैं, इसमें लक का भी एक हाथ होता है बहुत बड़ा, कि हमारी ज़िंदगी में जो लक है ना, नसीब जो बोलते हैं इसको भी बहुत बड़ा, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो रैंडमली होता है, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको उसमें ग्रोथ जो है वो देखने को मिलने ही वाला है। और ब्रांड जो होती है, इससे भी पैसे आप बहुत सारे कमा सकते हैं। 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख, वो आपको बहुत ऑफर्स देगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा पैसा देखकर आपका नेचर एटीट्यूड कैसे होता है, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने तो अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है, आपको भी वैसे ही रहना है। आपको कोई हेटफुल कंटेंट नहीं बनाना है, कोई रिलीजियस कंटेंट नहीं बनाना है, कोई पॉलिटिकल कंटेंट नहीं बनाना है, कोई ग्राफिकल कंटेंट नहीं बनाना है, आपको जेन्युइन कंटेंट बनाना है, किसी की कॉपी नहीं करना है। अपना खुद का आइडेंटिटी बनाओ, खुद का नाम बनाओ, जो चीज़ आपको पसंद है वो करो। ऐसा नहीं कि मैं आज यहाँ पर आया हूँ, टेक्नोरोज टेक्नोलॉजी क्रिएटर है, चलो हम भी टेक्नोलॉजी के वीडियोस बनाते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होगा उस चीज़ में, मे बी जो आपको नॉलेज है, जिसमें आपको मज़ा है, आप वही काम करिए और डेफिनेटली आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी मिलेगी। और साथ ही साथ आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप बहुत सारी चीज़ों का सपोर्ट ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जब मैं यूट्यूब में था, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था सॉफ्टवेयर का, टेक्नोलॉजी का। हाँ, बस एक छोटा सा कैमरा था, छोटा सा ऐप था जिसमें एडिटिंग होती थी और काम हो जाता था। आज आपको AI मिला है, और AI का सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। आप फेसलेस वीडियो बना सकते हैं, बिना एडिट किए आप काम कर सकते हैं, सारा का सारा काम AI आपको करके देगा, आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ बड़ी बड़ी वेबसाइट्स अवेलेबल है, ज़्यादातर फ्री वेबसाइट से आपने सिर्फ काम किया हो गया। थंबनेल्स क्रिएट करना है, हर चीज़ के लिए वेबसाइट है, अपनी ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, उसके लिए AI है। AI ने लाइफ को इतना सिंपल और आसान कर दिया है,
कि आपको हर चीज़ जो है, हर काम जो है वो इजीली और कम समय में आप कर सकते हैं। जब मैं काम करता था यूट्यूब में, मुझे बहुत समय लगता था, मैं पूरी पूरी रात काम किया, 3-3 बजे 4-4 बजे तक बैठ के यूट्यूब में काम किया। और आज अभी नहीं करना पड़ता क्योंकि आज मेरे टीम में लोग हैं। और आपको भी ज़रूरी नहीं कि आप अभी से ही टीम बना लो, आप AI का मदद ले सकते हैं, ऐप्स की मदद ले सकते हैं, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं और इनसे सारा काम कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा टिप है जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो बेसिकली आज मैंने आपको सब कुछ बताया हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ तक आया हूँ, मैं कैसे आया हूँ, मेरे साथ क्या हुआ और किस तरीके से आप सोशल मीडिया क्रिएटर बन सकते हैं, कंपनीज आपको अप्रोच करेगी, किस तरीके से आपको पेशेंस रखना है, कंसिस्टेंसी रखना है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट थी, मैंने आज आप लोगों को बता दिया। मैं जाते जाते आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक और टिप दे के जाता हूँ। देखिए, यहाँ से देखो और यहाँ से करो, दिमाग से देखो और करो दिल से, नथिंग इज इम्पॉसिबल। रिमेंबर गाइस, अपने आप को कभी भी कम मत समझना, क्योंकि जब मैं यहाँ तक आ गया आप भी आ सकते हैं। कल को क्या पता आप भी TEDx पर आए और अपना स्पीच दे रहे हो, दिस इज़ वेरी मोटिवेशनल। तो आज की स्पीच में ऐसे ही ख़त्म करता हूँ और थैंक यू अगेन TEDx जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और थैंक यू आप सबका जिन्होंने पेशेंटली मुझे सुना, सपोर्ट किया। टेक्नोरूएस को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, TEDx को इसी तरीके से खूब सारा प्यार देते रहिए और आज का स्पीच मैं यही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। और जैसे मैं अपने वीडियो के अंदर अपना एंड देता हूँ, कंक्लूजन करता हूँ, वो मैं ये बोलता हूँ, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।